तक 6 लोगों की मौत हो गई है। बवाल में 250 से ज्यादा घायल हैं। अवैध कब्जा हटाने के खिलाफ दंगाइयों ने बन भूलपुरा थाने में आग लगा दी। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और पुलिस की गाड़ियों में भी आग लगाई गई है। दंगाइयों ने पुलिस कर्मियों पर भी हमला किया। इस हमले में बड़ी संख्या में पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। तनाव को देखते हुए हल्द्वानी में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। साथ ही आज हल्द्वानी बंद का आह्वान भी किया गया है। पुलिस अब इस बात की तफ्तीश में जुटी है कि हल्द्वानी हिंसा साजिश आखिर किसकी है। दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिवली, कैसे हालात हो गए बवाल के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 6 लोगों की इसमें मौत हो गई है, 250 से ज्यादा बवाल में लोग घायल हुए हैं। इनफैक्ट आप समझिए कि पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। हल्द्वानी में हिंसा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिवली। पुलिस की गाड़ियों में आग लगाई गई है, हिंसा भड़की है और जिसमें 6 लोगों की दुखद मौत, बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। दो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। छावनी में तब्दील हो गया है पूरा शहर, चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है। अगर दुकानों की बात करें, ऑफिस की बात करें, सब बंद रहेंगे। दंगाइयों ने बन भूलपुरा थाने में आग लगा दी। ये दो तस्वीरें देख रहे हैं आप, एक आगजनी की तस्वीर, उसके बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस की गाड़ियों में आग लगाई गई है, कई पुलिसकर्मी इसमें घायल हैं। 6 की दुखद मौत। हम इस वक्त हल्द्वानी के वनभूलपुरा पुलिस थाने के ठीक सामने हैं। ये वही थाना है जिसे उपद्रवियों ने सबसे पहले निशाना बनाया था। अब थाने का सिर्फ यहाँ पर नाम दिखाई दे रहा है, लेकिन उस थाने के क्या हालात हैं, इसको इसका जायजा लेने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें, उपद्रवियों ने किस कदर थाने के बाहर जितने वाहन खड़े थे उनमें कई लोग थे जिनके वाहन खड़े थे, उसमें पत्रकार भी थे और उसके अलावा दूसरे आसपास के लोग थे, ऑफिशियल्स थे जिन लोगों की बाइक्स और दोपहिया वाहनों को रखा गया था। और उसके बाद यहाँ पर उपद्रवी थाने के अंदर पहुंच गए। जो तस्वीरें थी वो काफी खतरनाक है, खौफनाक है, क्योंकि अचानक कोई मॉब इस तरह से आगजनी नहीं करता है। यानी पूरा प्लान था, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा प्लान पहले तय किया गया था कि अगर भीड़ बढ़ेगी तो भीड़ आगजनी कैसे करेगी, क्योंकि यहाँ पर कई तरीके से लोग उपद्रव करते करते थाने के पास आए। और थाने का क्या हाल किया आप देखिए, पुलिस एक डर पैदा करती है लेकिन यहाँ पर उपद्रवियों के दिमाग में कोई डर पुलिस का नहीं था, जिसके बाद यहाँ पर थाने की स्थिति को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो थाना बनभूलपुरा इलाके के लोगों की सुरक्षा के लिए था, उस थाने को बनभूलपुरा के रहने वाले लोगों ने कैसे तहस नहस किया, ये यहाँ पर जो यहाँ के थानाध्यक्ष हैं नीरज भाकुनी, ये उनकी जो नेम प्लेट है ये इस तरह से गिरी है, ये उनका पूरा रूम है। आप देख सकते हैं यहाँ से अंदर जाने की जगह नहीं है क्योंकि दरवाजा काफी तोड़फोड़ यहाँ पर किया हुआ। देखिए अंदर जो यहाँ पर इंचार्ज हैं उनका रूम कैसा कर दिया है, तोड़फोड़ करके आग के हवाले किया गया। और ये एक नहीं बल्कि हजारों की संख्या में भीड़ आई थी और उस भीड़ ने जो मिला थाने के अंदर की वो सारी चीजें, वो सारे सबूत यहाँ पर नष्ट करने की कोशिश की। और ये पूरे थाने की स्थिति देखिए, ये वनभूलपुरा पुलिस थाना है, हल्द्वानी का सबसे संवेदनशील थाना माना जाता है। और ये देखिए स्थिति, ये बिल्कुल पहला यहाँ पर जहाँ पर कंप्लेंट दी जाती है उस रूम का हाल देखिए। अंदर जो यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाई देंगी क्योंकि ये रिसेप्शन है, कंट्रोल रूम भी यहीं पर है। और ये सारी चीजें मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको जानना जरूरी है कि आखिर ऐसे क्या हालात बने थे। पूरा आपको यहाँ पर ये पूरा कांच बिखेरा हुआ है, देखिए एक कांच नहीं बल्कि ऐसे कई दर्जनों जो शीशे लगे थे सारे तोड़ दिए गए उन उपद्रवियों के द्वारा, क्योंकि भीड़ को निशाना बनाना था वनभूलपुरा थाने को। और थाने को इसलिए क्योंकि स्थानीय थाने ने जो निगम था और जो प्रशासन के अधिकारी थे उनको सुरक्षा मुहैया कराई थी, क्योंकि जब भी किसी अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए जाया जाता है या प्रशासन कार्रवाई करता है तो उस दौरान पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था सबसे पहले की जाती है। अब ऐसे हालात में पूरे इलाके में कर्फ्यू है, इलाके के इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया है ताकि किसी तरह से सोशल मीडिया का फायदा उठाकर उपद्रवी कहीं कुछ और अंजाम या कुछ और साजिश को अंजाम ना दे सके, और इसके लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। कैमरामैन विपिन पुजारी के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज 18 इंडिया। तो छावनी में तब्दील हुआ है पूरा शहर, शहर में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, दुकानें ऑफिस स्कूल सब बंद रहेंगे। बनभूलपुरा इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है, पुलिस पीएसी और अर्धसैनिक बलों ने पूरी तरह से मोर्चा संभाला हुआ है। आज शुक्रवार को देखते हुए विशेष सतर्कता बरती गई है, रात भर दंगाइयों की पहचान में प्रशासन जुटा रहा है।
हल्द्वानी के बनबुलपुरा थाना इलाके में जिस वक्त ये आगजनी और तोड़फोड़ हो रही थी, उस वक्त थाने के ठीक सामने कई वाहन थे। दर्जनों वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस की ये बड़ी वैन दिखाई दे रही है जिसमें पुलिसकर्मियों को यहां पर लाया गया था, क्योंकि अधिकतर कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ने न देने की स्थिति में पुलिस बल को लाया जाता है, लेकिन यहां पर स्थिति इस तरह से है। देखिए, ये जो बाइक आपको दिखाई दे रही है, ये बाइक यहां पर जली एक नहीं बल्कि दर्जनों बाइक को यहां पर जलाया गया है। यानी प्री प्लान्ड था और पहले से प्लानिंग करके उपद्रवी आए थे, दहशतगर्द आए थे और उन्होंने एक नहीं बल्कि देखिए पुलिस की सारी गाड़ी जो है आग के हवाले कर दी गई। बाइक यहां पर जो थी, अभी भी धुआं इसमें उठ रहा है। देखिए, ये टायर से धुआं उठ रहा है। यानी जिस वक्त ये सब घटनाक्रम हुआ था, शाम के तकरीबन 7 से 8 बजे का समय था और पुलिस की इस वैन में और भी पुलिसकर्मी थे, सभी जान बचाकर भागे थे, क्योंकि जो चश्मदीद थे उन्होंने कहा था कि आग लगाने वाले कौन थे, कहां से भीड़ आ रही थी। ये पूरा जो आपको रो दिखा रहा हूं मैं, ये पूरा यहां तक ये सब जो वाहन है, यहां पर बाइक थी और स्कूटर थे, दोपहिया वाहन सबसे ज्यादा थे और उन सभी को आग के हवाले कर दिया गया। ये पुलिस की पूरी बड़ी वैन है जिस पर सबसे पहले निशाना यहां पर बनाया गया और जो उपद्रवी थे उन्होंने सबसे पहले कोशिश ये की थी कि पुलिस वैन को निशाना बनाया जाए और उसके बाद उन्होंने आसपास खड़ी जो मोटर बाइक्स थी उनको निशाना बनाया। ये पूरा बनभूलपुरा का इलाका है और ये देखिए यहां पर भी जो बाइक्स आपको दिखाई दे रही, क्योंकि ये प्री प्लान था कि कैसे यहां पर भीड़ आएगी और उसके बाद किस तरह से निशाना बनाया जाएगा उन वाहनों को, और पूरा जमकर यहां पर बवाल काटा गया था उपद्रवियों के द्वारा। ये देखिए पुलिस की यहां पर बैरिकेडिंग और उसके अलावा जो यहां पर कार थी उस कार को तक यहां पर पलटा कर चले गए। और खास तौर से जो कुछ आपको मैं दिखा रहा हूं ये पुलिस की बैरिकेड थी ताकि भीड़ को रोका जा सके। एक कार यहां पर थी, कार को यहां पर पलटाया गया, उसके बाद उसमें आग लगा दी गई। ये ठीक बनभूलपुरा जो थाना है उसके ठीक सामने की जो स्थिति है वो देखिए। इसके अलावा जो यहां पर जितनी बाइक्स थी सबको आग के हवाले कर दिया गया। जब पुलिस व्यवस्था यहां पर उस वक्त बिल्कुल ना के बराबर थी तो उपद्रवी हावी थे और उसके बाद जब पुलिस बल को बढ़ाया गया तब जाके वो यहां से भागे हैं। लेकिन जो स्थिति आपको यहां पर दिख रही है ये काफी खतरनाक है, क्योंकि एकदम से पूरे इलाके में शांति बहाल करने के लिए पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाई गई, फ्लैग मार्च करवाया गया, पीएसी को बुलाया गया और उसके बाद जाकर अब यहां पर कर्फ्यू घोषित किया गया है। और बनभूलपुरा जो इलाका है इसमें जो आबादी है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और इसी वजह से यहां पर इस वक्त आगजनी और उन दूसरी चीजों को बचाने के लिए और ये सारी चीजें जो थी उससे रोकने के लिए यहां पर कर्फ्यू लगाया गया है और इंटरनेट सेवा को भी यहां पर बंद रखा गया है ताकि सोशल मीडिया का कोई इस्तेमाल ना कर सके, सोशल मीडिया के जरिए कोई इसे अफवाह या फिर दूसरी चीजों में ना बदल सके, और इसीलिए इस पूरे इलाके में इस वक्त कर्फ्यू है। कैमरामैन विपिन पुजारी के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज 18 इंडिया, हल्द्वानी। तो हालात कैसे हो गए आप ये पूरी खबर से समझ सकते हैं। ये बवाल की तस्वीरें, अब हम आपको ये दिखाते हैं कि पूरा मामला भड़का कैसे और कैसे हल्द्वानी को जलने पर मजबूर कर दिया गया। एक एक तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। हल्द्वानी के वनभूलपुरा में गुरुवार को भारी बवाल हो गया, देखते ही देखते बात पथराव और आगजनी तक जा पहुंची। इस घटना की टाइमलाइन की बात करें तो अवैध मस्जिद और मदरसे पर कार्रवाई करने प्रशासन गया था। मलिक के बगीचे में बुलडोजर लेकर प्रशासन का दस्ता पहुंचा। अवैध मदरसे नमाज स्थल को जेसीबी से ध्वस्त किया गया। अराजक तत्वों ने पुलिस प्रशासन की टीम पर पथराव शुरू कर दिया। देखते ही देखते प्रशासन और स्थानीय लोग आमने सामने आ गए। बवालियों ने आगजनी की घटना शुरू कर दी। पुलिस और मीडिया की गाड़ियों में आग लगा दी गई। आगजनी और बवाल में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए।
हल्द्वानी की घटना पर मुख्यमंत्री धामी ने बड़ी बैठक बुला ली। बवाल और आगजनी के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया। नंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए। पुलिस प्रशासन समेत खुद मुख्यमंत्री भी इस पूरे मामले में पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेन नेगी की रिपोर्ट। और हल्द्वानी बवाल पर सीएम धामी का भी बयान सामने आ चुका है। अराजक तत्वों द्वारा पुलिस की झड़प हुई और पुलिस की कंपनियां भेजी जा रही हैं और आगजनी वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सभी से शांति बनाए रखने की अपील उन्होंने की है। दंगाइयों को देखते हुए उनको देखते ही गोली मार देने के आदेश भी दिए गए हैं। के बनभुलपुरा क्षेत्र में न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी। वहां पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहां पर, और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। वहां पर अभी तत्काल अन्य कंपनियां पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है। कर्फ्यू लगा दिया गया है और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।